तो स्वागत है भाई आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल शान सिद्दीकी में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त दुबई के अंदर हूँ। दुबई के अंदर एक ये कंपनी है एम्ब्रॉयडरी कंप्यूटर मशीन की, ठीक है। आपको दिख रही होंगी मशीनें, ये 15 हेड की है और ये 12 हेड की है और बाकी और पीछे मशीनें हैं, वो बहुत सारी मशीनें हैं। यहाँ पर तीन कंपनी हैं, इनके जो मालिक हैं कंपनी के, इनकी तीन कंपनियाँ हैं, ठीक है। एक शारजा में है, एक दुबई में है और एक अलग है उम्मल कोइन में, ठीक है। तो कारीगरों की ज़रूरत है यहाँ पर और 12 घंटे की ड्यूटी है। जिस भी कारीगर को यहाँ पे लगना हो, मशीनों पे आना हो दुबई के अंदर, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है और मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। कारीगरों की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, अर्जेंट ज़रूरत है। अभी 4-5 तारीख के अंदर ही बुला सकते हैं, मतलब टिकट करके, ठीक है। तो मैं मशीन दिखा देता हूँ तुम्हें। तो एक दो मशीन तो ये हैं, ठीक है। 12 12, एक 12, एक 15 हेड की है और एक ये वाली 12 हेड की। डिज़ाइन जो चलते हैं यहाँ पे, इस तरह से डिज़ाइन चलते हैं, ठीक है। मैं आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ। ये डिज़ाइन चलते हैं इस तरह से, गले गले बनते हैं। और मशीनें उसी टाइप की हैं, इंडिया में भी हैं इस टाइप की। जिस तरीके से मान लो हेड, जिस हेड में प्रॉब्लम होती है वो हेड शो हो जाता है, जिस भी हेड में धागा टूटता है या बाबिन ख़त्म होती है, इस तरह से शो हो जाता है। अब जैसे कि आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये वाला 3,86,000 का डिज़ाइन है, ठीक है। 3,77 का ये हो चुका है। तो बड़े बड़े डिज़ाइन चलते हैं डिवाइडर के, ठीक है। एक ही बार डिज़ाइन लगा दिया, 8-9 घंटे तक छुट्टी, और इस पे भी ऐसी डिज़ाइन चलते हैं, ठीक है। और फैसिलिटी की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो एसी वैसी लगी हुई है सब चीज़, किसी चीज़ की कमी नहीं है। ठंडे पानी का भी उधर इंतज़ाम है। रूम के लिए मैं रूम दिखा देता हूँ तुम्हें, रूम कहाँ है। तो एक तो रूम ये है, ठीक है, ये रूम दिखा देता हूँ मैं। फिलहाल यहाँ पे मतलब कारीगर अभी आए नहीं हैं, तो जो कारीगर आएंगे वो इस वाले रूम में शिफ्ट रहेंगे। ये एसी वैसी लगी हुई है रूम में, ठीक है। ये मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। और दूसरा रूम ये है, ठीक है। इसमें भी एसी लगी हुई है, मतलब आर पार एसी है। ये दो रूम है जिसमें आपको रहने के लिए फैसिलिटी मिलेगी, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों ही कंपनी की तरफ से फ्री है, ठीक है। रूम फ्री है और खाना भी फ्री है। खाना यहाँ पे जो होता है वो रेस्टोरेंट से आता है, दोपहर का लंच भी और रात का डिनर भी, कुछ भी खा सकते हैं आप, कुछ भी मंगा सकते हैं, ठीक है। जो बिल पे करते हैं वो कंपनी के मालिक ही करते हैं, ठीक है। तो रहना भी फ्री है, खाना भी फ्री है और प्लस सैलरी है, ठीक है। तो दो मशीनें ये वाली हैं, ये भी एक 15 हेड की और एक 12 हेड की, ठीक है। और एक मशीन ये वाली है, ठीक है, ये 20 हेड की मशीन है। इस पे भी यही वाले डिज़ाइन चल रहे हैं, ठीक है। और दो मशीनें इसके पीछे हैं, दो मशीनें ये वाली हैं, ठीक है। ये भी 20 20 हेड की हैं, ठीक है। आप तकनीक देख सकते हैं, फैसिलिटीज़ देख तक देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको पूरी कंप्लीट मिलेंगी यहाँ पे। यहाँ पे भी इसी टाइप के डिवाइडर चल रहे हैं, बड़े बड़े डिज़ाइन, ठीक है। और टच वाली स्क्रीन मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर है इसका, माया कंपनी की है, मशीनें हैं, सारी फैसिलिटी इन मशीनों में रहती है। धागे खुद फोल्ड करना, ठीक है, और भी बहुत सारी फैसिलिटी हैं। जो भी धागा टूट जाए वो मॉनिटर पे दिखाना। और एक फैसिलिटी तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसके बारे में मैं अगले टॉपिक पे वीडियो बना दूँगा। अगली जो वीडियो बनाऊँगा ना, वो इसी बारे में बनाऊँगा कि इन मशीनों की सेटिंग कैसे कैसे की जाती है और क्या क्या सेटिंग होती हैं। बहुत सारी इसमें एडवांटेज है मशीनों में, जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। वैसे तो पंखा भी लगा हुआ है और लाइट वगैरह भी लगी हुई हैं, ठीक है, और एसी वगैरह भी लगी हुई है, ठीक है। तो रहना हो गया, खाना बता दिया, काम करने की फैसिलिटी बता दी, टॉयलेट वगैरह आपको बाहर मिल जाएंगे, ठीक है। टॉयलेट वगैरह दिखा देता हूँ मैं तुम्हें बाहर चल के। तो चलते हैं बाहर, तो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें बाहर का एरिया, टॉयलेट वगैरह रहने वहने का इंतज़ाम वो कैसा है। तो भाई बाहर आ गए, ठीक है। ये जो रूम है ये तो अलग ही है, ये भी रहने के लिए है, ठीक है। और ये शीशा वगैरह लगा हुआ है, मिरर वगैरह देखने के लिए। और
ठीक है। और ये टॉयलेट वगैरह है, यहाँ पे तीन टॉयलेट लेफ्ट साइड है, तीन राइट साइड है, ठीक है। और ठंडे पानी की फ़िल्टर पानी की मशीन वो रही, ठीक है वहाँ पे। तो यह एक यहाँ पर है कंपनी है, ठीक है, जिसको भी यहाँ पर आना हो वो आ सकता है। एक ये वाली होगी जिसके अंदर से मैं आया हूँ, और एक वाली है, और दो अलग जगह पर है, ठीक है। अब चलते हैं वापस अंदर। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सारी जो मतलब आपकी प्रॉब्लम है ना, एक ही बार एक वीडियो में बता दूँ, ताकि किसी को यहाँ पर आने के बाद दिक्कत ना हो, ठीक है। बंदे को सारी फैसिलिटी मिले, ठीक है, एक एक चीज़ डिटेल में बता दे। रही सैलरी की बात, सैलरी की बात जो है मैं डिस्कस तब करूँगा जब जो है बंदे का एक्सपीरियंस देख के कि कितने महीने से वो मशीन चला रहा है और कितने टाइम से वो काम कर रहा है, उसके बाद सैलरी डिस्कस होगी कि भाई कितनी सैलरी हम उन्हें देंगे, ठीक है। तो सैलरी जो है वो काम के बेस पर रहेगी, पहले बंदा मुझसे कांटेक्ट करेगा इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, तो जितने साल का एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से उनकी सैलरी जो है सेट रहेगी। सैलरी का जो नॉर्मल है वो 26,000 रुपये से लेके 45,000 रुपये तक है, ठीक है, यहाँ पे महीने की सैलरी, ठीक है। तो कांटेक्ट कर लेना मेरे से और बात कर लेना जिसको भी आना हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आना कैसे होगा, आने में कैसा 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 हिसाब है, क्या खर्चा आएगा। देखो भाई, दो तरीके आने के। पहला तरीका तो यह है कि आप खुद से 2 महीने का विजिट वीज़ा लेके यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। 2 महीने का विजिट वीज़ा लेके यहाँ पर आ जाओ और टिकट लेके आ जाओ अपना, मतलब खुद से आ जाओ। यहाँ पर आते ही आपको जॉब मिल जाएगी। आने से पहले बस आपको मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना है कि शान भाई मैं आ रहा हूँ और जगह खाली है या नहीं है, आने से पहले, यानी कि एक बार पूछ लेना है मेरे से, तो मैं बता दूँगा हाँ जगह खाली है, आ जाओ। अपनी डिटेल्स वगैरह बता के मेरे से पूछ लेना तो मैं बता दूँगा हाँ आ जाओ, ठीक है। तो पहला तरीका तो यह है कि खुद से आ जाओ, खुद से टिकट करके, खुद का 2 महीना वीज़ा लगा के। उस वीज़ा के जो 2 महीने आप यहाँ पर काम करोगे ना, 2 महीने यहाँ पे हम तुम्हारा काम देख लेंगे, एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम्हारी 2 महीने की सैलरी भी देंगे। ऐसा नहीं कि 2 महीने की सैलरी नहीं देंगे, तो 2 महीने की सैलरी भी आपको मिलेगी। और उसके बाद तुम्हारा 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगा दिया जाएगा, मेडिकल वगैरह होके आईडी वगैरह बन के तुम्हारा 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले आपको यहाँ पे 2 महीने के लिए विजिट, और भाई 2 महीने के उसके पैसे मिलेंगे आपको, जो भी आप विजिट वीज़ा पाओगे, रहना मिलेगा, खाना मिलेगा, ठीक है, सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई वीज़ा हम देते हैं, तो वही वीज़ा कंपनी के ओनर भी दे देंगे आपको, लेकिन उसके लिए आपको जो है सर्विस चार्ज जो है वीज़ा का पेमेंट जमा करना होगा। वीज़ा यहाँ से भी निकल जाएगा लेकिन वो जेन्युइन होगा, यहाँ से फिर आपको आईडी भी मिल जाएगी ताकि एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, कि आप किसके पास जा रहे हो पूछते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे। तो उसका ये बेनिफिट होगा कि अगर आप यहाँ से वीज़ा निकलवा के आएंगे तो फिर 100% आपको यहाँ पे 101% काम मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप खुद से लेकर आओगे तो हमें ये रहता है बंदे को, कंपनी वालों को, कि यार पता नहीं कुछ और ढूंढने तो नहीं आ रहा, पता नहीं मेरे पास आएगा नहीं आएगा, ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो वीज़ा यहाँ से भी निकाल के दे देंगे तुम्हें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई वीज़ा निकाल के दे देते हैं और बंदा बाद में मना कर देता है कि भाई मैं नहीं आ रहा, मेरी बहू मना कर रही है या मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, तो फिर वीज़ा का पैसा बेकार जाता है। इस वजह से हमने ये सेटिंग बिठाई है कि भाई खुद से वीज़ा निकाल के 2 महीने का खुद से टिकट करके आ जाओ, यहाँ पे आने के बाद तुम्हारा 2 महीने काम करने के बाद हम काम देखेंगे, और स्टार्टिंग सैलरी जितनी भी तुम्हारी रहेगी रहेगी तुम्हारे एक्सपीरियंस के तौर पे, उसके बाद तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी जाएगी और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा तुम्हारा लगा दिया जाएगा। और जब तुम 2 साल कंप्लीट करके जाओगे तो टिकट भी तुम्हें यहीं से मिलेगा वापसी जाने का, ठीक है, सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, रहना मिलेगा, खाना मिलेगा उन 2 सालों में, ठीक है। तुम्हारा सैलरी में से यानी कि कुछ नहीं कटने का, सैलरी में से कुछ नहीं कटने का, रहना खाना सब यहीं से ही है, ठीक है। अब इन मशीनों की टेक्नोलॉजी के बारे में बता देता हूँ तुम्हें थोड़ा सा। वैसे तो आप सभी ने ये मशीनें देखी होंगी, लेकिन एक बार बता देता हूँ मैं, इंडिया में थोड़ी सी अलग तरीके से हैं। तो इस मशीन में ऐसा है, जैसे कि मान लो ये तो ऑल हेड वगैरह हो गया, ठीक है, ये लिटिल चेंज करने का हो गया, ये पीपल हटने का, ये एंड सेट, होम सेट, ये सब चीज़ें सेटिंग में तो मैं एक वीडियो में बता दूँगा अगली वीडियो में कि
कौन सा बटन किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। 850 की स्पीड चल रही है इस टाइम, इसे मैं 900 950 कर देता हूँ। मैक्सिमम स्पीड इसकी 1000 है। इसमें जैसे एक खूबी बताऊँ तो जो डिज़ाइन तुमने एक बार डाल दिया ना इस मशीन में, उसकी कलर कोडिंग करने के बाद सिर्फ एक ही बार करनी पड़ेगी, उसके बाद जितनी बार भी वो डिज़ाइन जब तक इसमें रहेगा ना तो उसकी कलर कोडिंग करनी नहीं पड़ने की, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके ये कलर कोडिंग खुद चला देती है मशीन। ठीक है, सिर्फ एक बार कलर कोडिंग करनी रहती है जब तक इस कंप्यूटर में वो डिज़ाइन रहेगा, उसके बाद कलर कोडिंग नहीं करनी पड़ने की, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके जो है मशीन चला देती है। और भी बहुत सारी एडवांटेज हैं इस मशीन की, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, ये रेशम जो चलता है यहाँ पे, ये काफ़ी बढ़िया वाला, जल्दी से परेशान नहीं करता ना जल्दी से टूटता, और ये सब जेन्युइन क्वालिटी का रेशम चलता है। ठीक है, कारीगरों की ज़रूरत है, जिसको भी आना हो बता देना, कांटेक्ट कर लेना और विजिट वीज़ा पे आ जाना भाई। ठीक है, अपना टिकट लेके विजिट वीज़ा लेके आ जाना, एक बार आने से पहले मेरे से पूछ लेना। ठीक है, मशीन आप देख ही रहे हो, कंपनी यहाँ पे तीन चार है, कहीं ना कहीं तो मैं तुम्हें लगवा ही दूंगा। फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।